जगदलपुर से खबर, जहां महापौर की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। कांग्रेस के सफीरा साहू को 28 वोट मिले तो वहीं बीजेपी के महापौर प्रत्याशी को 19 वोट मिले हैं। कांग्रेस से एक वोट रद्द हुआ है। नगर में कांग्रेस की सरकार बनी है तो महापौर की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है, जिसमें कांग्रेस की सफीरा साहू महापौर बने हैं। सफीरा साहू को 28 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के महापौर प्रत्याशी को 19 वोट मिले हैं। यानी कांग्रेस में कांग्रेस नगर में सरकार बना चुकी है और कांग्रेस का ही महापौर चुन लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, बीजेपी के महापौर प्रत्याशी को 19 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को इससे ज्यादा वोट मिलने की वजह से महापौर के चुनाव प्रक्रिया में कांग्रेस के सफीरा साहू को महापौर चुन लिया गया। सफीरा साहू को 28 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के महापौर प्रत्याशी को 19 वोट मिले थे, लिहाजा नगर में कांग्रेस की सरकार बनी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर में कांग्रेस की सरकार बनी है, क्योंकि 28 वोटों के साथ कांग्रेस का महापौर चुन लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशुतोष फोन लाइन पर जुड़ गए। आशुतोष, कांग्रेस का महापौर चुन लिया गया है, किस तरीके से ये चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई? इस तरीके से लगातार कांग्रेस बीजेपी में मंथन चल रहा था कि नगर में सरकार किसकी बनेगी। हालांकि ये बात भी निकल कर सामने आ रही थी कि कांग्रेस के कई पार्षद बीजेपी के पक्ष में वोट देने में समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अभी जो वोटिंग प्रक्रिया यहां पर प्रारंभ हुई उसके बाद से साफ हो गया कि जो कांग्रेस के पार्षद थे वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी को समर्थन नहीं दिए हैं। हालांकि जो बीजेपी के 19 पार्षद जीत कर आए थे वो बीजेपी का समर्थन दिए हैं, और 29 पार्षद जो कांग्रेस के थे वो कांग्रेस को ही सपोर्ट किए हैं, लेकिन कांग्रेस को 28 वोट मिला है और एक वोट यहाँ पर जो वो रद्द हो गया है। तो इसके बाद ही महापौर जो है कांग्रेस ने बनाई है नगर में, और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कलेक्टर ऑफिस चुनाव प्रक्रिया निपटाने के बाद ही लगातार नाराबाजी करते हुए कलेक्टर ऑफिस से निकले हैं और लगातार जश्न की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, साथ ही साथ रैली की तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है। काफी खास जानकारी के लिए आशुतोष, बल्कि बताएं कुछ खबरों के लिए देखते